मध्य प्रदेश के श्योपुर के विजयपुर में उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस सीट पर जीत के लिए पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस की एक बड़ी फौज श्योपुर पहुंची और किसान आक्रोश रैली के जरिए विजयपुर विधानसभा सीट पर प्रचार का शंखनाद किया। क्या है ये पूरा किस्सा और कैसे कांग्रेस ने विजयपुर सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का विजयपुर का श्योपुर विधानसभा सीट इन दिनों खासी चर्चा में है और इसके पीछे वजह यह है कि कांग्रेस में लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे और कई बार चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के एक बड़े नेता राम निवास रावत लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव से पहले दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया और अब दल बदलने के कारण विधानसभा श्योपुर में उपचुनाव होना है और इस सीट को जीतने के लिए जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, वहीं कांग्रेस भी अब जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक बड़ी फौज एक दिन पहले श्योपुर के विजयपुर विधानसभा सीट पर पहुंची और वहां पर किसान आक्रोश रैली के जरिए न सिर्फ भाजपा को घेरा गया बल्कि वहां से विधायक रहे राम निवास रावत पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला सबसे पिछड़े जिलों में शुमार होता है और केंद्र सरकार के आकांक्षी जिलों की श्रेणी में भी वो शामिल है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी तेज कर दी है और यही नजारा एक दिन पहले किसान आक्रोश रैली में भी नजर आया जब कांग्रेस नेताओं ने श्योपुर के पिछड़ेपन को बड़ा मुद्दा बनाया। जीतू पटवारी ने मंच से कहा कि राम निवास रावत 10 बार चुनाव लड़े, 6 बार वो विधायक बने, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, उसके बावजूद श्योपुर पिछड़ा हुआ क्यों है, अति गरीब क्यों है, कुपोषित की श्रेणी में सबसे अव्वल क्यों है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा क्यों है और आज भी श्योपुर के आदिवासी जंगलों में जाकर लकड़ी बीनने को क्यों मजबूर है, क्या बोला जीतू पटवारी ने मंच से, आप भी सुन लीजिए। क्या कारण था कि बीच में कांग्रेस के मतदाताओं के इसके विचार को, संविधान को, लोकतंत्र को धोखा देने वाले राम निवास जी ने निर्णय क्यों लिया? 8 बार आपको विधानसभा की टिकट दी और 2 बार लोकसभा की टिकट दी आपको, आपको मंडी का अध्यक्ष बनाया, आपको राज्य मंत्री प्रदेश का बनाया, कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने आपको बनाया, आपका बेटा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, आखिर क्या बात थी वो? विजयपुर के मतदाताओं को धोखा दिया, ये सवाल बनता है या नहीं बनता? बोल के बताओ, बनता है या नहीं बनता है? अरे आपका पंप है, आपकी जमीन बहुत ज्यादा, उसकी लीक बच गई, आपका कॉलेज है, आपके भाई आईटीओ में लग गए, अरे इन आदिवासियों ने क्या गलती की कि ये गरीब लेके लकड़ियां बीनते रहे, क्या कारण है इसका? आप इतने साल से ये जनप्रतिनिधि, ये बताओ राम निवास जी, मेरा सवाल है आपसे, सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर, बेटा पैदा करते हुए बहनें यहाँ क्यों मरती है? सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर, बच्चा पैदा होता है और सबसे ज्यादा यहाँ विजयपुर सुपुर में क्यों मरता है? आपको बताना पड़ेगा कि देश का सबसे गरीब एरिया विजयपुर सुपुर क्यों है? अरे आप 30 साल 40 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा ये कि यहाँ पर आम जनता को इलाज क्यों नहीं मिलता, यहाँ परिवार के लोग स्कूल क्यों नहीं जा पाते, कागज अच्छे क्यों नहीं है, टीचर क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है, दवाइयां क्यों नहीं है, इसका दोषी कौन है? 20 साल से बीजेपी की सरकार और 40 साल से राम निवासी आप जनप्रतिनिधि हो यहाँ, तो इसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम आपको बता दें कि राम निवास रावत कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में भी थे। 2018 का उन्होंने चुनाव लड़ा था जिसमें वो हार गए, उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, वो भी हार गए, लेकिन उसके बाद 2023 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और जीत कर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले
पाला बदलकर रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और उसके बाद बीजेपी ने रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाते हुए वन और पर्यावरण महकमे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी और इसी वजह से अब विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर दमखम लगाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव दो बार विजयपुर विधानसभा सीट पर पहुंच चुके और करोड़ों रुपए के विकास पर कार्यों का उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा विजयपुर विधानसभा सीट पर बगावती तेवरों को थामने के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक आदिवासी सीता राम को शहरी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट पर राजनीतिक हलचल तेज है। कांग्रेस ने कुपोषण, पिछड़ापन और गरीबी को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है तो बीजेपी अपने विकास के एजेंडे को लेकर इस बार चुनाव में होगी। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से श्योपुर के पिछड़ेपन को मुद्दा बना रही है उसके बाद ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।